हे किड्स, दिस इज शिखा। वेलकम बैक टू शेवी केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है मैम के पास आ चुका है। मैम ने देख लिया है पेपर। एंड बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में लाने लायक हैं। जैसे कि इस बार एक सब्जेक्ट ट्रिकी आ रहा है। जैसे कि शिफ्ट वन में अगर हमने देखा था तो फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी ट्रिकी थी। सेकेंड शिफ्ट में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी ट्रिकी थी। ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा आ रही है इस बार, ठीक है। इनऑर्गेनिक बहुत कम है, 4 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के हैं। और फिजिकल के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस अपने को देखने को मिल रहे हैं। वो हर बार ही इस तरीके से ही आते हैं पेपर में, ठीक है। अब देखो, मुद्दा ये है कि बच्चों, इनऑर्गेनिक के जो 4 क्वेश्चंस थे वो मैम के नोट्स के अंदर से ही आए हैं। 4 क्वेश्चंस जो मैंने आपको शेवी केमिस्ट्री क्लासेस सेशंस में कराए थे, उसी में से सारा पेपर आया हुआ है। ऑर्गेनिक रिएजेंट्स के जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, उन्हीं रिएजेंट से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जिन बच्चों ने वो नोट्स को रीड किया था, तो उनके लिए पेपर काफ़ी आसान रहा होगा ऑर्गेनिक का, राइट, और इनऑर्गेनिक का। तो बच्चों, मुद्दा ये है कि अभी जिन बच्चों के अभी एग्जाम्स है 25th को, 27th को, 22nd को, तो उन लोगों को अभी भी मैं कहूँगी आप टेलीग्राम पे जाके उन नोट्स को एक बार रीड कर लो, आपका बहुत फ़ायदा होगा बच्चों, ठीक है। बार बार मैं आपको यही कह रही हूँ, रीड करके जाओ। और हो सके अगर आपका पेपर जो है वो 27th को है, तो कोशिश करो 2015 से लेकर के 2021 के क्वेश्चंस को रिवाइज करो। नई चीज़ इस वक्त पे मत करना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। जेई मेन 2020 का क्वेश्चन भी एज इट इज़ आया आपके पेपर में, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इस बार, तो इसलिए बच्चों ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अभी जिन लोगों का आगे एग्जाम होने वाला है, वो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें और उसी तरीके से अपने आगे की मूवमेंट्स को प्लान करें, राइट बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो है एनालिसिस क्लास में। टाटा बाय बाय, एंड अपना ध्यान रखिएगा बच्चों।